हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा एग्जाम हुआ था एसएडीओ सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें एसएडीओ के एग्जाम की तो ये 3 घंटे का था और 150 मार्क्स का था। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो भी 150 थे, यानी एक क्वेश्चन पे एक नंबर। हम आज जिस पेपर की बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ व्यापम ने एग्रीकल्चर का पहला कोई ऐसा एग्जाम था जिसे ऑनलाइन कंडक्ट कराया था, मतलब ऑनलाइन लिया था। सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, कंप्यूटर पे था। और जो ये एसएडीओ का क्वेश्चन पेपर है, ये हमें अभिषेक झा सर, जो अभी करंट में एसएडीओ के पोस्ट पे कार्यरत हैं और बहुत अच्छी रैंक सिक्योर की थी सर ने एसएडीओ के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पेपर हमें सर ने प्रोवाइड कराया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अभिषेक झा सर को। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अपन जो है थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेन आपको मतलब है इसका जो क्वेश्चन पेपर है उससे। तो इसमें देखिए, इंग्लिश में भी दिया हुआ है जो भी क्वेश्चन है, और नीचे जो है जो भी क्वेश्चन है वो हिंदी में भी दिया हुआ है। और जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो गलत ऑप्शन है उसमें पहले से ही कट लगा हुआ है ऑलरेडी, और जो ऑप्शन सही है उसमें ऑलरेडी राइट का निशान लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। राइट जो आंसर लगा हुआ है वो सीजी व्यापम ने दिया है, फाइनल आंसर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेचुरली प्रोड्यूस ऑक्सीजन इज, मतलब प्राकृतिक रूप से जो निर्मित ऑक्सीजन है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर मॉडल्स, कृषि मॉडल से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथमेटिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शंस दैट अकर विथिन द प्लांट एंड इंटरेक्शंस बिटवीन प्लांट एंड इट्स एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है प्रेशर प्लेट एंड पोरस मेम्ब्रेन अपरेटस वाज डेवलप्ड बाय, मतलब दाब प्लेट और सरंध्र झिल्ली उपकरण का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिचर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर लीफ टेम्परेचर इन एडिशन टू ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल रेजिस्टेंस, मतलब पूछ रहा है वाष्पोत्सर्जन और रंध्री प्रतिरोध के साथ साथ पत्ती का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2nd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोरोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट फॉर क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च, कृषि प्रणाली अनुसंधान के परियोजना निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन 4th नंबर का जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोदीपुरम उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्ट ऑफ वन कंपोनेंट ऑन अनदर विच इनहेंस ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू कंपटीशन इज नोन एज, हिंदी में देख लेते हैं, एक घटक का दूसरे पर प्रभाव जो खासकर प्रतिस्पर्धा की तुलना में विकास और उत्पादकता बढ़ाता है खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 3rd नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट या फिर पूरक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑफ वेरिंग हाइट रूटिंग पैटर्न एंड ड्यूरेशन इज कॉमनली कॉल्ड, हिंदी में देख लेते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों जड़ जमाने की पद्धति और अवधि में विभिन्न फसलों को उगाने के कार्य को सामान्यतः खाली स्थान कहा जाता है। ऑप्शन 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग या फिर बहुतल सस्यन। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिस्टम इज द वेस्ट ऑफ वन इंटरप्राइज मोर इफेक्टली यूज्ड एज एन इनपुट इन अनदर इंटरप्राइज, मतलब किस पद्धति में एक उद्यम के अपशिष्ट किसी अन्य उद्यम में आगत के रूप में अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल होते हैं। 3rd नंबर का ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हिंदी में बोले तो एकीकृत कृषि पद्धति। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम इज, जैविक कृषि पद्धति का एक अन्य रूप है। ऑप्शन नंबर 1st इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परमा कल्चर। अगला क्वेश्चन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स MAI वाज गिवन बाय, मतलब नमी उपलब्धता सूचकांक किनके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1st इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हारग्रीव्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट्स न्यूट्रिएंट बेस्ड ऑन देयर बायोकेमिकल बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, किस वैज्ञानिक ने पौधे के पोषक तत्वों को उनके जैव रासायनिक व्यवहार और शरीर क्रियात्मक कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया था। ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंगेल और करकबी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज निकिल एडेड टू द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स, निकिल को किस वर्ष आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की सूची में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 2nd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, निम्नलिखित में कौन पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता का सूचक है। ऑप्शन नंबर 1st इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता। अगला क्वेश्चन है,
इन मोस्ट मिनरल सॉइल्स द मीन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स रेंजेस फ्रॉम, अधिकांश खनिज मिट्टी में कणों के माध्य घनत्व का परिसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.6 से 2.7 GCM। अगला क्वेश्चन है, फेवरेबल कैल्शियम सोडियम और कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो इन इरिगेशन वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन ऑफ, सिंचाई के पानी में अनुकूल कैल्शियम सोडियम या कैल्शियम मैग्नीशियम के अनुपात किसके सहप्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, ए वीड दैट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए क्रॉप इकोसिस्टम इज नोन एज, वह खरपतवार जो फसल पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग बन गई है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट वीड या फिर अनुसंगी खरपतवार। अगला क्वेश्चन है, विच वीड स्पीसीज डिसअपीयर थ्रू एनिमल होव्स एंड हेयर्स इनटू क्रॉप फील्ड, कौन सी खरपतवार प्रजाति पशुओं के खुरों और बालों के माध्यम से फसल क्षेत्रों में फैलती है? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैंथियम स्ट्रामेरियम। अगला क्वेश्चन है, ग्रे स्पेक डिजीज ऑफ ओट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जई की ग्रे स्पेक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, डायवर्सिटी इंडेक्स वाज गिवन बाय, विविधता सूचकांक किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्राउट, वाग और यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ए फार्म ऑन विच द इनकम फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्ट इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल फार्म इनकम इज कॉल्ड, वह खेत जिसमें केवल एक उत्पाद से आय कुल खेत की आय के 50% से कम हो खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या फिर विविध कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग फिंगर मिलेट, रागी रोपण के लिए पौध की आदर्श आयु क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 to 4 weeks, 3 से 4 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, इन मेज द सेकेंडरी रूट्स डेवलप फ्रॉम ए नोड जस्ट अंडर सॉइल सरफेस, व्हाट आर दीज सेकेंडरी रूट कॉल्ड, मक्के में द्वितीयक जड़ें मिट्टी की सतह के ठीक नीचे वाली गांठ से विकसित होती हैं, इन द्वितीयक जड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवेंटियस रूट या फिर अपस्थानिक जड़ें। अगला क्वेश्चन है, इन ए फ्लोडेड राइस फील्ड द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब धान के जलमग्न खेत में नाइट्रोजन का स्रोत किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर फोर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4 के रूप में। अगला क्वेश्चन है, पेनिकम मिली एशियम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, मतलब पेनिकम मिली एशियम किसका वैज्ञानिक नाम है? फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसो मिलेट या फिर हिंदी में बोला जाए तो चीना या प्रोसो मिलेट। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हैज proclaimed 2016 as the international year of, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2016 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्सेस या दाल। अगला क्वेश्चन है, द पॉपकॉर्न इज आल्सो नोन एज, पॉपकॉर्न को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिया मेज एवर्टा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड इनिशिएट, तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन किस वर्ष में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट एफ्लोटॉक्सिन इन ग्राउंड नट इज प्रोड्यूस्ड बाय, पूछ रहा है कि मूंगफली में विषाक्त घटक एफ्लोटॉक्सिन जो होता है किसके द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस फ्लेविस। अगला क्वेश्चन है, रेयन ग्यान इज सीड मटेरियल एसोसिएटेड विथ, मतलब रेयन ग्यान जो है बीज सामग्री है जो खालिस्तान से संबंधित है, मतलब कौन सी क्रॉप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुगर केन या गन्ना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट ऑफ सुगर केन सेट्स डन, गन्ने के सेट्स का नम हवा उपचार क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट कंट्रोल्स द सीड बोर्न डिजीज, यह बीज जनित रोगों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांटिंग ट्रीज आर एले क्रॉपिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर, कौन से स्थान पर विथि सस्यन के रूप में पेड़ों को लगाना सबसे उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोपिंग टेरेन्स या फिर ढलुआ इलाकों में। अगला क्वेश्चन है,
द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन सच ए मैनर दैट मोर और लेस कंटिन्यूअस एंड अनब्रोकन कवर इज मेंटेन्ड ओवर द एंटायर एरिया इज टर्म्ड एज, हिंदी में बात करें तो जंगलों का इस तरह से प्रशोधन कि संपूर्ण क्षेत्र में करीब करीब निरंतर और अटूट आच्छादन बनाए रखा जाए, क्या कहलाता है? डोर वॉल्ड, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोर वॉल्ड। अगला क्वेश्चन है, द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन विच द लेबर्स एंगेज्ड इन एक्चुअल प्लांटिंग वर्क आर परमिटेड टू राइज एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन बिटवीन द रोस ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड, अंतरण कृषि का संशोधित रूप जिसमें वास्तविक रोपण कार्य में लगे मजदूरों को पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने के लिए अनुमति होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंगिया सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वानिकी की कौन सी शाखा वन उत्पाद की माप से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट मेंसुरेशन या फिर वन क्षेत्र मिति। अगला क्वेश्चन है, लैंड विच डज नॉट गिव इनफ इकोनॉमिक रिटर्न और इज अदरवाइज यूजलेस कैन बी टर्म्ड एज, वह भूमि जो पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल नहीं देती अर्थात अनुपयोगी है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्टलैंड या फिर हिंदी में बात करें तो बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एसिड टॉलरेंट प्लांट इन वेस्टलैंड, निम्नलिखित में से किसे बंजर भूमि में सबसे अधिक अम्ल सहिष्णु पौधे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोबिनिया स्यूडो अकेशिया। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल एक्टिविटी इज बेस्ट इन विच सॉइल, जीवाणु गतिविधि जो है कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रल सॉइल में। अगला क्वेश्चन है, एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस आर नॉट पॉपुलर इन रीजन वेयर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक, हिंदी में बात करें तो जीविका कृषि वाले क्षेत्रों में कृषि वानिकी कार्य लोकप्रिय नहीं है जैसे कि राज्य ओडिशा और बिहार। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा और बिहार। अगला क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस आर द शूट्स कट एट ए शॉर्ट डिस्टेंस अबाउट द ग्राउंड सो दैट ए फ्रेश फ्लोस ऑफ शूट अपीयर आफ्टर सम टाइम, किस प्रक्रिया में जमीन के थोड़े ऊपर से शाखा काटी जाती है जिससे कि कुछ समय बाद नई शाखा दिखाई देने लगे? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉपीसिंग। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फोडर टिम्बर एंड फ्यूल वुड बी प्रेजेंट, निम्न में से किस तंत्र में फसल चारा लकड़ी और ईंधन का एकीकृत उत्पादन शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्रो सिल्वी पाश्चुरल सिस्टम, हिंदी में बात करें तो कृषि वन चारागाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कूर्ग हनी ड्यू वेराइटी ऑफ पपाया इज, पपीते की किस्म कूर्ग हनी ड्यू क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायनोडायसियस या फिर भिन्न स्तोभ स्त्रीलिंगी। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी एप्पल हाइब्रिड इज ए क्रॉस बिटवीन सुनहरी सेब संकर किसके बीच का एक क्रॉस है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबरी और गोल्डन डिलीशियस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पाइसेस, निम्न में से किसे मसालों की रानी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉल कार्डेमम या फिर छोटी इलायची। अगला क्वेश्चन है, ड्वार्फ कोकोनट वैरायटीज आर, बोनी जो नारियल की किस्में हैं वो खालिस्तान हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोगेमस, हिंदी में बात करें तो स्वक युग्मी। अगला क्वेश्चन है, टू विच फैमिली डज पेरीविंकल बिलोंग, पेरीविंकल किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपोसिनेसियाई। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन फोटो पीरियड ए ब्रिंजल प्लांट इज, मतलब प्रकाश अवधि के आधार पर बैगन का पौधा खालिस्तान होता है? ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डे न्यूट्रल या फिर दिवस निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द लोवेस्ट रेस्पिरेशन रेट, निम्न में से किस फसल की श्वसन दर सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनियन या प्याज। अगला क्वेश्चन है, कैलेक्स स्प्लिटिंग इज ए मेजर डिसऑर्डर ऑफ, मतलब कर्णिका विपाटन किसका प्रमुख विकार है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्नेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रैंडीफ्लोरा क्लास रोज, निम्न में से कौन गुलाब के ग्रैंडीफ्लोरा वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर प्लांट ऑफ फ्लोराइड पॉल्यूशन, निम्न में से कौन फ्लोराइड प्रदूषण का संकेत देने वाला पौधा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेडियोलस। अगला क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एक्सुडेशन ऑफ फ्लूड फ्रॉम ए जेली इज कॉल्ड, जेली से तरल के स्वतः स्फूर्त स्त्राव की घटना को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनर्सिस। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वैक्स इम्पोसेस साइननेस टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों पर चमक लाने के लिए किस तरह के मोम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ वैक्स। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट सोर इन कैंड फूड इज ड्यू टू, डिब्बा बंद आहार में फ्लैट या खट्टेपन का कारण खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिलस स्टेरो थर्मोफिलस। अगला क्वेश्चन है, जैम इज पास्चुराइज एट ए टेम्परेचर ऑफ, जैम को खाली स्थान तापमान पर पास्चुराइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 से 85, 82 से 85 अंश सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, इमिशन ऑफ इथाइलिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कट फ्लावर्स कॉजेस ए डिसऑर्डर विच इज नोन एज, कटे हुए फूलों के परिवहन के दौरान एथिलीन के उत्सर्जन से एक विकार पैदा होता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लीपीनेस। अगला क्वेश्चन है, हनी ड्यू स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ सोरगम, ज्वार के निम्नलिखित रोगों में से किसका हनी ड्यू चरण में अवलोकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुगरी डिजीज या फिर मीठा रोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सिन जी, एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सिन जी का काम करने का तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का नाश। अगला क्वेश्चन है, सनफ्लावर नेक्रोसिस एंड पीनट स्टेम नेक्रोसिस आर कॉज्ड बाय विच कॉमन वायरल पैथोजन, किस आम वायरल पैथोजन द्वारा सूरजमुखी नेक्रोसिस और मूंगफली के तने के नेक्रोसिस होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोबैको स्ट्रीक वायरस। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टेमिक फंजिसाइड विच इज एम्फीमोबाइल इन प्लांट्स आर, वह सिस्टेमिक फफूंदनाशी जो पौधों में एम्फीमोबाइल होता है वह खाली स्थान है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोसेटाइल एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन फंजाई, फफूंद में अनुवांशिक परिवर्तनशीलता की विधि में निम्न कौन सी है? तो ऑप्शन थर्ड नंबर का है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेट्रोप्लॉइडी। अगला क्वेश्चन है, विच निमेटोड फीड्स ऑन द हाइफी ऑफ राइजोक्टोनिया सोलेनाई, कौन सा निमेटोड राइजोक्टोनिया सोलेनाई के हाइफी पर पोषित रहता है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफेलेंकस एवेने। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्लांट क्वारंटाइन लॉ पास्ड इन जर्मनी टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट कोलोराडो पोटैटो बीटल, इंसेक्ट पेस्ट कोलोराडो पोटैटो बीटल को रोकने के लिए जर्मनी में किस वर्ष में पहला पौध संगरोध कानून पास किया गया था? थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1873, 1873। अगला क्वेश्चन है, विच फंगल डिजीज आर जनरली एग्रीवेटेड विद द निमेटोड इन्फेस्टेशन, कौन से कवक रोग से आमतौर पर निमेटोड संक्रमण के साथ बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्ट्स। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्प्रेयर इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट ऑफ ट्री एंड टाल फील्ड क्रॉप्स,
पेड़ों व खेत की ऊंची फसलों पर कीटों की रोकथाम के लिए किस प्रकार के स्प्रेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रूट स्प्रेयर। अगला क्वेश्चन है, विच फंजाई इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन के औद्योगिक उत्पादन में किस कवक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्बागासिपियाई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सुगर केन रेटून स्टंट? निम्नलिखित में से कौन जो है गन्ना स्टून स्टंट का कारक जीव है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइपसोनिया जाइली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस विथ इन एन आई ऑफ इंसेक्ट फॉर्म आइदर ऑफ पिगमेंट और ऑफ डेंसली मेसेड ट्रैकी? निम्नलिखित में से क्या घने ट्रैकिया या पिगमेंट से बने कीट की आंख के भीतर की परावर्तक सतह है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टैपिटम। अगला क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरिया इज कॉमनली कॉल्ड? एपिस फ्लोरिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिटिल बी या फिर छोटी मक्खी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिट्रस सूट एंड बार्क कैटरपिलर? सिट्रस सूट और बार्क कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडारबेला टेट्राओनिस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट डिजीज अकरिंग इन पेंडेमिक प्रोपोर्शन? निम्नलिखित में से क्या महामारी अनुपात में होने वाले पौध रोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का ब्लैक स्टेम रस्ट। अगला क्वेश्चन है, पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA इज प्रेजेंट इन? मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA खाली स्थान में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, इफ F1 हैज 4 हेटरोजाइगस जीन पेयर्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीनोटाइपिक क्लासेस इन F2? मतलब यदि F1 में 4 विषम युग्मजी जीन जोड़े हों तो F2 में जीन प्रारूप क्लासेस की संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 81। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ DNA इन द सेल ऑफ G2 फेज? G2 अवस्था की कोशिका में DNA की मात्रा क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4C। अगला क्वेश्चन है, द क्रोमोसोमल रीजन दैट लुक्स डार्क इन सी बेंडिंग टेक्निक इज? वह क्रोमोसोमल क्षेत्र जो सी बेंडिंग टेक्निक में गहरा दिखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेट्रोक्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? खमीर कृत्रिम गुणसूत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओरी प्लस टीलोमियर प्लस सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन है, इन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन द मोस्ट कॉमन एंड बैलेंस्ड नॉर्मल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन? पारस्परिक स्थानांतरण में सबसे आम व संतुलित सामान्य गैमेट्स खाली स्थान में उत्पादित होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्टरनेट या एकांतर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन फीचर्स ऑफ वन स्पीसीज टू द अदर स्पीसीज विथाउट इम्पेयरिंग द रेसिपिएंट्स टैक्सोनॉमिक इंटीग्रिटी इज नोन एज? मतलब हिंदी में बात करें, प्राप्तकर्ता की टॉक्सिनेमिक इंटीग्रिटी को प्रभावित किए बिना एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में कुछ लक्षणों या गुणों का स्थानांतरण खाली स्थान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रोग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, इन विच ब्रीडिंग प्रोग्राम इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल एलील्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव? किस ब्रीडिंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुकूल एलील का संग्रहण है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिकरेंट सिलेक्शन या फिर आवर्ती चयन। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है और पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें सत्य है, क्लोन्स आर हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस। क्लोन्स जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं और होमोजीनियस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिटिव जीन एक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन? हिंदी में एडिटिव जीन क्रिया खाली स्थान में प्रभावी होती है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स या स्व परागण फसलों में। अगला क्वेश्चन है, इन मास सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग सिलेक्शन इज डन बेस्ड ऑन? ब्रीडिंग की मास सिलेक्शन प्रक्रिया में
चयन का आधार खाली स्थान होता है? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोटिपिक सुपीरियरिटी या फिर फेनोटिपिक श्रेष्ठता। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, एकल बीज वंश विधि खाली स्थान का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बल्क मेथड। अगला क्वेश्चन है, होमोजाइगोट्स आर पॉसिबल इन, सम युग्मनज जो है वो खाली स्थान में संभव होता है। तीन स्टेटमेंट दी हुई है इसकी, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है उसमें वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमोमॉर्फिक स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजनी ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन टू फैकल्टेटिव एपोमिक्स इज, दो अनाग्रही एपोमिक्स के बीच क्रॉस से खाली स्थान संतति हासिल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है, सेपरेट मेंटेनर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड इन, खाली स्थान में पृथक रख रखाव लाइन की जरूरत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TGMS। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस हाइपोथेसिस हेट्रोसिस इज ड्यू टू, डोमिनेंस अवधारणा के अनुसार हेट्रोसिस जो है खाली स्थान के कारण होती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्किंग ऑफ रिसेसिव एलील्स बाय डोमिनेंट एलील्स, प्रधान एलील द्वारा रिसेसिव एलील्स की मास्किंग। अगला क्वेश्चन है, विच हाइब्रिड एक्सप्लॉइट्स मैक्सिमम हेट्रोसिस, कौन सी हाइब्रिड अधिकतम हेट्रोसिस का दोहन करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल क्रॉस या एकल क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी जीन्स गवर्निंग द जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी आर, सामान्य रूप से जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को शासित करने वाली जीन खाली स्थान होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसेसिव या फिर प्रतिक्रमणी। अगला क्वेश्चन है, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर आई कट्स द डीएनए सीक्वेंस एट, प्रतिबंधी एंजाइम इको आर आई डीएनए अनुक्रम को खाली स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5GAATTC3। अगला क्वेश्चन है, रेयर हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू कल्चर यूजिंग, खाली स्थान का उपयोग करते हुए रेयर हाइब्रिड को टिश्यू कल्चर में निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्ब्रियो कल्चर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल अथॉरिटी इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स रिलीज इन इंडिया, भारत में ट्रांसजेनिक फसलों को जारी करने का अंतिम प्राधिकारी कौन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रीजल कमेटी। अगला क्वेश्चन है, द मैपिंग पॉपुलेशन विच इज यूजफुल इन रेप्लिकेटेड ट्रेल्स इन, रेप्लिकेटेड ट्रेल्स में उपयोगी मैपिंग जनसंख्या खाली स्थान होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RILC, रिकम्बिनेंट इनब्रीड लाइंस। अगला क्वेश्चन है, What is the size of DNA that can be packaged into a lambda phase? उस DNA का आकार क्या होगा जिसे lambda phase में पैक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 30 kb, 10 to 30 kb। अगला क्वेश्चन है, Which of the following is critical for primer designing? प्राइमर डिजाइनिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुआनिन और साइटोसिन कंटेंट, जीसी कंटेंट। अगला क्वेश्चन है, इम्प्रूव्ड सांभा मासूरी इज रेजिस्टेंट टू, मतलब बेहतर सांभा मासूरी जो वैरायटी है वो खाली स्थान के प्रति प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BLB, बैक्टीरियल लीव ब्लाइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरेंट वैरायटी ऑफ वीट म्यूटेंट पूसा लर्मा, तो गेहूं के उत्परिवर्ती पूसा लर्मा की पेरेंट किस्म क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लर्मा रोजो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोमा क्लोनल वेरिएंट रिलीज्ड एज ए वैरायटी इन ब्रैसिका क्रॉप, ब्रैसिका फसल में वैरायटी के रूप में सोमा क्लोनल वेरिएंट क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा जैकिसन। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट सेमी ड्वार्फ फोटो पीरियड इनसेंसिटिव एंड हाई यील्डिंग बासमती राइस, पहला सेमी ड्वार्फ फोटो पीरियड इनसेंसिटिव और उच्च पैदावार बासमती चावल कौन सा है? तो पूसा बासमती फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल वीट वेराइटी इन विच रस्ट रजिस्टेंस वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए रिलेटेड स्पीसीज, वह पहली वाणिज्यिक गेहूं की किस्म कौन सी थी जिसमें संबंधित प्रजाति से
रस्ट प्रतिरोध स्थानांतरित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर या स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, पूसा मोती इज द वैरायटी डेवलप्ड थ्रू मास सिलेक्शन इन। पूसा मोती खालिस्तान की किस्म है जिसे मास चयन से विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजरा। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया ऑफ टिल्ड क्रॉस सेक्शन इज नोन एज। जोते गए अनुप्रस्थ भाग के प्रति इकाई क्षेत्र ड्राफ्ट को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पेसिफिक ड्राफ्ट या विशिष्ट ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है, इन विच टिलेज सिस्टम ओनली आइसोलेटेड बैंड्स ऑफ सॉइल आर टिल्ड। कौन सी जुताई प्रणाली में केवल मिट्टी की पृथक पट्टी की जुताई की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रिप टिलेज या फिर पट्टी जुताई। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द मोल्ड बोर्ड प्लाउ बॉटम टू विच द अदर कंपोनेंट ऑफ द प्लाउ बॉटम आर अटैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मोल्ड बोर्ड हल के तल का एक हिस्सा है जिससे हल के नीचे अन्य घटक जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रॉग। अगला क्वेश्चन है, पडलिंग इज डन इन ए स्टैंडिंग वाटर डेप्थ ऑफ। स्थिर पानी की कितनी गहराई में गारा या पडलिंग बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 से 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए मैनुअली ऑपरेटेड चाफ कटर्स फ्लाई व्हील शुड नॉट बी लेस देन। हाथ से संचालित कुट्टी मशीन के चक्के का भार कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 kg या 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन इन स्टोरेज। भंडारण में प्याज के अंकुरण को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MH या मैलिक हाइड्राजाइड। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ प्रोपेल्ड राइडिंग टाइप राइस ट्रांसप्लांटर इज सुटेबल फॉर ट्रांसप्लांटिंग। स्वनोदित राइडिंग प्रकार का चावल ट्रांसप्लांटर खालिस्तान की रोपाई के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैट टाइप सीडलिंग या मैट प्रकार की पौध। अगला क्वेश्चन है, सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पैडी रेंज बिटवीन। धान के सुरक्षित भंडारण में नमी की मात्रा का परिसर कितना होता है। फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12-14%, 12-14%। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर्स कम अंडर मिक्सिंग टाइप। निम्नलिखित में कौन सा ड्रायर मिश्रण प्रकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैफल ड्रायर। अगला क्वेश्चन है, साइज रिडक्शन ऑफ ग्रेन्स इज कॉज्ड बाय इंपैक्ट इन। अनाज के आकार में कमी किसके प्रभाव के कारण होती है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैमर मिल या इसे हथौड़ा मिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर द कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स व्हाट इज द ब्राइन सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए लवणीय विलयन की सांद्रता क्या है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2-3% या 2-3%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ ब्लांचिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को हल्का उबालने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स, एंजाइमों को निष्क्रिय करना। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंटेनर्स इज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पैक्ड। किस प्रकार के कंटेनर में सबसे अधिक मात्रा में शीतल पेय पदार्थ पैक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, PET। इसका फुल फॉर्म बोलें तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेरीफथालेट। अगला क्वेश्चन है, ए साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग। एक चक्रवात विभाजक का प्रयोग किसको अलग करने के लिए किया जाता है। 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो 3rd नंबर की जो स्टेटमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम सॉलिड्स, ठोस पदार्थ से महीन कण। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्रान इज रिसीव्ड फ्रॉम पैडी। धान से भूसे का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5% या 5%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फ्यूमिजेंट फॉर स्टोरेज ऑफ सीरियल्स। अनाज के भंडारण के लिए सबसे सामान्य धूम्रक
क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। अगला क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम ए सॉलिड बाय मींस ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज। विलायक के माध्यम से एक ठोस से घुलनशील घटक की निकासी को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीचिंग या हिंदी में निक्षालन। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मीटरिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सीड्स। बीजों के निरंतर प्रवाह के लिए किस प्रकार के पैमाइश तंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लूटेड रोलर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्लीमेंट इज यूज्ड इन सोविंग फॉर कंजर्विंग द एनर्जी। ऊर्जा के संरक्षण के लिए बुआई में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो टिल ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, विच इज द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मैनुअल फ्रूट हार्वेस्टर। हाथों से फल तोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? सबसे पहला जो फर्स्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होल्ड ऑन ट्विस्ट टाइप, मतलब मरोड़ कर तोड़ना। अगला क्वेश्चन है, इन विच एक्सटेंशन सिस्टम डू द फार्मर्स देमसेल्फ एक्ट एज एक्सटेंशनिस्ट एंड द रियल एक्सटेंशन वर्कर्स प्ले द रोल ऑफ फैसिलिटेटर्स। कौन से विस्तार प्रणाली में किसान स्वयं विस्तारकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और वास्तविक विस्तार कार्यकर्ता सुविधा पूर्तिकर्ताओं की भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन, किसान से किसान विस्तार। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड स्टार्ट विथ लोकल ग्रुप्स, लोकल सिचुएशंस एंड लोकल प्रॉब्लम्स, व्हाट डज इट रिवेल। विस्तार कार्यक्रमों को स्थानीय समूह, स्थानीय स्थितियों, स्थानीय समस्याओं से शुरू करना चाहिए, यह क्या प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रास रूट प्रिंसिपल या आधारभूत सिद्धांत। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है, इन मार्केट लेड एक्सटेंशन फार्मर इज सीन एज। बाजार आधारित विस्तार में किसान को किस रूप में देखा जाता है? एग्रीप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स विलेज पीपल, लोकल ऑफिशियल्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज इन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच फार्मर पार्टिसिपेशन इज इनडायरेक्ट एंड मच इंटेंसिव। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत ग्रामवासियों, स्थानीय अधिकारियों और विकास एजेंसियों निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में शामिल होते हैं जिसमें किसानों की भागीदारी अप्रत्यक्ष और अधिक गहन होती है? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी RRA। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बार्लो व्हाट इज द सोल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। बार्लो के अनुसार संचार का एकमात्र उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोगों को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ICT द एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी वाज फंडेड इन 1957 एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंटिफिक एंड एजुकेशनल कंप्यूटिंग सोसाइटी, विच कंट्री डज इट बिलोंग्स टू। ICT का व्यावसायिक संगठन जो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी है को 1957 में विश्व की पहली वैज्ञानिक और शैक्षिक कंप्यूटिंग सोसाइटी के रूप में निधिबद्ध या फंडेड किया गया था, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA। अगला क्वेश्चन है, विच रूरल डेवलपमेंट रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स IRDP, TRISAM, DWCRA, SITRA, GKY एंड NWS दैट आर नो लॉन्गर इन ऑपरेशन। कौन से ग्रामीण विकास क्रांतिकारी कार्यक्रम ने पुराने कार्यक्रमों जो अब संचालन में नहीं हैं जैसे IRDP, TRISAM, DWCRA, SITRA, GKY और NWS को प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फॉरेनर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अग्रदूत था? तो सबसे पहला फर्स्ट जो ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, इटावा प्रोजेक्ट 1948, इटावा परियोजना 1948। अगला क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द विलेजर्स एंड आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ इच फैमिली। ग्रामीणों की आर्थिक रूपरेखा का पता लगाने और प्रत्येक परिवार की स्थिति की पहचान करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल्थ रैंकिंग या फिर संपत्ति रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, इफ यू डिपिक्ट द डाटा ऑब्टेन इन टाइमलाइन बाय चूजिंग ए पर्टिकुलर आइटम एंड एनालाइज इट्स ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ और ए लाइन डायग्राम इट इज कॉल्ड। यदि आप किसी विशेष वस्तु को चुनकर निश्चित समय अवधि में प्राप्त आंकड़ों को दर्शाते हैं और निश्चित समय अवधि में इसके विकास का विश्लेषण करते हैं और इस आरेख या एक रेखा आरेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइम ट्रेंड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व इंडिकेट। कुल उत्पाद वक्र की ढलान क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, MPP। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट एट डिक्रीजिंग रेट द आइसोक्वांट इज। जब उत्पादन के दो कारक कम दर पर स्थानापन्न होते हैं तो समोत्पादक क्या होता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, केंद्र के उत्तल। अगला क्वेश्चन है, रिजिड लाइन्स आर यूज्ड टू सेपरेट। कटक रेखा किसे अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धी से पूरक। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज कंसर्न्ड विथ। उत्पाद उत्पाद संबंध किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन, संसाधन आवंटन। अगला क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल फार्म प्रोडक्ट इज। कृषि उत्पादों की मांग किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन इलास्टिक या बेलोचदार। अगला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंक्लूड्स इनपुट मार्केटिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स मार्केटिंग। कृषि विपणन के विषय में निवेश, इनपुट विपणन और खाली स्थान विपणन शामिल है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्ट या उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, इन रेगुलेटेड मार्केट्स ओनली वन कैटेगरी ऑफ कमीशन एजेंट्स एग्जिस्ट अंडर द नेम ऑफ। विनियमित बाजारों में कमीशन एजेंटों की केवल एक श्रेणी होती है जो खाली स्थान नाम से विद्यमान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए क्लास ट्रेडर, ए वर्ग के व्यापारी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस सर्व्स एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन कोऑपरेटिव मार्केटिंग सेक्टर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सहकारी विपणन क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाफेड। नाफेड का फुल फॉर्म होता है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, क्राफिकार्ड रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ द नाबार्ड इन द ईयर 1982 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। हिंदी में बोले तो क्राफिकार्ड ने 1982 में नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किसकी अध्यक्षता में की थी? ऑप्शन नंबर सी जो है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री बी शिवरामन। अगला क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाय द बैंक इज कैटेगराइज्ड अंडर। बैंक द्वारा उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को वित्त पोषण कौन से वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनडायरेक्ट लोन या अप्रत्यक्ष ऋण। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्लूसिव ऑफ रेनफॉल एंड प्रोफाइल सॉइल मॉइस्चर कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन इज रेफर्ड टू एज। इष्टतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, वर्षा की मात्रा और मिट्टी की नमी की मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा,
नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट या शुद्ध सिंचाई आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है, अमंग द सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफिशियंट। सिंचाई के सतही तरीकों में से निम्न में कौन सा सबसे ज्यादा कारगर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरो मेथड। अगला क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर रिमूव्ड इन 24 आवर पीरियड फ्रॉम द एंटायर ड्रेनेज एरिया इज। 24 घंटे की अवधि में पूरे जल निकासी क्षेत्र से पानी की मात्रा को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्रेनेज कोफिशियंट या ड्रेनेज गुणांक। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप हैज द लोवेस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। कौन सी फसल सबसे कम पानी उपयोगिता दक्षता है? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइस या चावल। अगला क्वेश्चन है, एडॉप्शन ऑफ कंपैक्शन टेक्नोलॉजी टू अटेन सब सरफेस कंपैक्शन इज वेरी यूजफुल इन मैनेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स। निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी में अध स्थल संघनन प्राप्त करने के लिए संयोजन तकनीक का उपयोग बहुत उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडी एंड लोमी सैंड सॉइल्स, रेतीली और चिकनी रेत मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, इन मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल्स कैल्शियम कार्बोनेट इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ। मृदाओं के यांत्रिक विश्लेषण में कैल्शियम कार्बोनेट को किससे संसाधित करके हटा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, HCl। अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेट नोडुलेशन इज फाउंड इन। निम्नलिखित में से किसमें निर्धारित ग्रंथन या नोडुलेशन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंग बीन या मूंग फिफली। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंकिया इज ए एन। फ्रेंकिया एक खाली स्थान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्टिनोमाइसीट। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। भारत के उर्वरक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1955 या 1955। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वॉज द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1906। भारत में वर्ष 1906 में सबसे पहले कौन से उर्वरक का उत्पादन किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट या एकल सुपर फास्फेट। ये हमने डिस्कस किया SADO 2017 यानी सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कोई कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जो CG व्यापम ने आंसर दिए हुए हैं वो ग्रीन कलर से टिक हैं और जो रॉन्ग आंसर हैं वो ऑलरेडी से रेड कलर से क्रॉस बना हुआ है। तो ये मैंने छोटा सा आपके सामने पेपर रिप्रेजेंट किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन पेपर का PPT चाहिए होगा, मैंने इसे PPT में कन्वर्ट कर दिया है PDF की जगह में, तो अगर आपको किसी को भी PPT चाहिए या फिर यही पेपर आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही कमेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इस पेपर की जो PPT का लिंक डाल दूंगा और इस पेपर की PDF का लिंक डाल दूंगा, जिसे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।